आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन स्पेशल उकड़ बटाट्याची भाजी यानी उबले हुए आलू की सब्जी। अब इस सब्जी की खासियत ये है कि इसमें ज्यादा सूखे मसाले नहीं पड़ते, बल्कि इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे फ्रिज में इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे करी पत्ते, ताजा धनिया के पत्ते, मिर्ची, प्याज और अदरक। जी हाँ, बस इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से हम बहुत ही डिलीशियस आलू की सब्जी बनाएंगे महाराष्ट्रियन स्टाइल और 5 या 10 मिनट में। कैसे बनानी है देखते हैं आज के वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीजन एंड टेम्पो विद नीलम अब हिंदी में। और जैसा कि आप जानते हैं, जहां हम बनाते हैं बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपीज। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और कढ़ाई में हमें डालना है 1 से 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है और उसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स, जिसे सरसों भी कहा जाता है। अब सरसों अच्छे से तड़कने लगे तब गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और अब हम उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। अब धीमी आंच पे हमें जीरा को 1 मिनट तक भूनना है और अब हम उसमें डालेंगे 2 से 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। अब इसे एक बार चला लेते हैं चम्मच से और इसमें अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए 15 से 20 करी पत्ते और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक, जिसे मैंने कद्दूकस यानी ग्रेट करके लिया है। अदरक से इस सब्जी को बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलती है। अब यहाँ हम डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्चें। अब इस सब्जी को जो तीखापन मिलने वाला है वो इन्हीं मिर्चियों से मिलने वाला है, तो आप जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से मिर्ची यहाँ पे डाल सकते हो। अब मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को हमें लीड लगा के 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जिससे हमारा प्याज भी अच्छे से भून जाएगा। अब ढक्कन निकालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद अब हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हींग। बस इतने ही सूखे मसाले इसमें पड़ने वाले हैं। बहुत ही आसान लेकिन डिलीशियस ये सब्जी बनती है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के 1 से 2 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। बस अब हमें डालने हैं उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने नमक के पानी में उबाला था। आलू के छोटे छोटे पीस करके अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। आलू को हमें प्याज के मसाले में अच्छे से मिला लेना है। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और आखिर में अब हम डालेंगे बहुत सारे ताजा धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस सब्जी का। सारी चीजें अच्छे से मिला लेते हैं। सब्जी तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बस आखिरी एक काम बाकी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीड लगा के हमें इस सब्जी को 5 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है। अब आप यहाँ पे शायद सोच सकते हो कि आलू तो वैसे भी पके हुए हैं। जी हाँ, लेकिन वो सारे फ्लेवर सिंपल आलू में हमारे एब्जॉर्ब होने के लिए हमें यहाँ पे लीड लगाना है। जैसे ही आप ढक्कन ओपन करोगे, एक बहुत ही फ्लेवरफुल अरोमा आपको मिलेगा और ये एक सिंपल आलू की सब्जी बनेगी, डिलीशियस आलू की सब्जी में। बना के देखिए येल्लो उकड़ बटाट्याची भाजी, जो हमारे घर पे तो बच्चों से लेके सारे लोगों की फेवरेट है। पूरी के साथ एंजॉय कीजिए या फिर आप अपने रेगुलर राइस या चपाती के साथ खाइए। और अगर आपने ये सब्ज़ी बना ली तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले कि आपको ये सब्ज़ी कैसे लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इस रेसिपी के बारे में या फिर किसी और रेसिपीज के बारे में मेरे कोई भी आपको क्वेरीज रहेंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? डोंट वरी, रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिए और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा।